Good afternoon, students. Today we are going to discuss the exercises of chapter number 5. Okay? So हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में चैप्टर एक्सप्लेन हो गया था हमारा. सो टुडे वी आर गोइंग टू डू द एक्सरसाइजेस. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डेफिनेशंस. ओके, सो फर्स्ट इज मॉलिक्यूल्स. सो टाइनी पार्टिकल्स दैट मेक मैटर. जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं उनसे मैटर बनता है. मैटर के अंदर टाइनी पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उसको मॉलिक्यूल्स बोलते हैं. ओके, नाउ सेकेंड इज एटम्स. स्मॉलर पार्टिकल्स दैट मेक मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स के अंदर स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उसको आप बोल सकते हो एटम्स. ओके, थर्ड इज एलिमेंट. मैटर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम. सिर्फ एक ही एटम से जो मैटर बनता है, अगर कोई भी मैटर सिर्फ एक ही टाइप के एटम से बनता है तो उसको एलिमेंट बोलते हैं. उसका अपोजिट है कंपाउंड. मैटर मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स. एलिमेंट का मतलब क्या होता है? सिर्फ एक ही टाइप के एटम से बने. कंपाउंड मतलब एक से ज़्यादा. ठीक है, कॉम्बिनेशन के बहुत सारे एटम्स के कॉम्बिनेशन से जो मैटर बने उसको बोलते हैं कंपाउंड. और एक ही टाइप के एटम से बने उसको बोलते हैं एलिमेंट. ओके, नाउ फिफ्थ है मिसिबल. लिक्विड्स दैट मिक्स कंप्लीटली विथ ईच अदर. जो लिक्विड एक दूसरे के साथ कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं उसको बोलते हैं मिसिबल. ओके, सिक्स वन इज इमिसिबल. लिक्विड्स विच डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर. ऐसे लिक्विड्स जो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो पाते उसको बोलते हैं इमिसिबल. ओके, नाउ सेवेंथ इज फिजिकल चेंज. अ चेंज विच इज रिवर्सिबल एंड इन विच नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म. ऐसा चेंज जो रिवर्सिबल भी हो और उसमें न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता हो, ऐसे चेंज को बोलते हैं फिजिकल चेंज. नाउ एट इज केमिकल चेंज. अ चेंज विच इज इरिवर्सिबल एंड इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म. ऐसा चेंज जो इरिवर्सिबल हो और उसमें से न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता हो. ओके, सो हियर वी आर कंप्लीटेड द डेफिनेशंस. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज टिक द करेक्ट ऑप्शन. सो फर्स्ट इज हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स आर नोन टू मैन. मैन जो है ह्यूमन को कितने एलिमेंट्स नोन है, कितने एलिमेंट्स पता है, कितने एलिमेंट्स है? टोटल 118 एलिमेंट्स आर देयर. ओके, आर नोन टू मैन. सेकेंड है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो फिक्स्ड शेप बट हैज डेफिनेट वॉल्यूम. कौन सा ऐसा है शेप जिस कौन सा ऐसा है एलिमेंट जिसका फिक्स्ड शेप नहीं होता है लेकिन वॉल्यूम डेफिनेट होता है? सो द आंसर इज जूस. ओके, बॉक्स बॉल है उसका डेफिनेट फिक्स शेप होता है. चौक है उसका भी फिक्स शेप होता है. बट जूस है उसका नो फिक्स्ड शेप. कोई भी फिक्स शेप जूस का नहीं होता है. ओके, नाउ थर्ड एमसीक्यू इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनसॉल्युबल इन वाटर. कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो पानी में सॉल्युबल नहीं होता है? योर ऑप्शन आर शुगर, सैंड एंड सॉल्ट. सो द आंसर इज सैंड. सैंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर. ओके, फोर्थ इज विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स फॉर्म्स अ सेपरेट लेयर अबाउट वाटर. कौन सा ऐसा लिक्विड है, ठीक है, जो सेपरेट लेयर बनाता है वाटर के ऊपर? ओके, सो द आंसर इज ऑयल. ऑयल फॉर्म्स अ सेपरेट लेयर अबाव वाटर. अगर आप वाटर डालो उसके ऊपर ऑयल डालो तो एक सेपरेट लेयर बन जाएगा और वाटर के ऊपर बनेगा लेयर. ओके, ऑयल का. नाउ फिफ्थ इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज. इसमें से कौन सा केमिकल चेंज है? ए टियरिंग पेपर, बी मिल्क चेंजिंग टू कर्ड, सी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस. सो द आंसर इज मिल्क चेंजिंग टू कर्ड. इट इज अ केमिकल
चेंज. ओके, हमने ऑलरेडी चैप्टर में डिस्कस कर लिया है. ओके, नाउ टू क्वेश्चंस आर कंप्लीटेड. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट इज अ मॉलिक्यूल मे बी मेड अप ऑफ टू और मोर एटम्स. ओके, मॉलिक्यूल टू या तो टू से ज्यादा किससे बनता है, एटम्स. ओके, सेकेंड इज ब्रेकिंग ऑफ ग्लास इज अ डैश चेंज. अगर ग्लास ब्रेक हो जाता है तो वो कौन से टाइप का चेंज हुआ. ओके, सो द आंसर इज फिजिकल चेंज. ओके, अगर ग्लास ब्रेक हो जाता है तो वो कौन से टाइप का चेंज हुआ, फिजिकल चेंज. नाउ थर्ड वन इज वाटर एंड मिल्क आर डैश लिक्विड्स. वाटर एंड मिल्क हैं वो कैसे लिक्विड्स हैं, डैश लिक्विड्स. उसमें क्या आएगा, मिसिबल लिक्विड्स. क्यों हमने मिसिबल लिखा, क्योंकि वो इजीली वाटर एंड मिल्क मिक्स हो जाते हैं, इसलिए वो मिसिबल लिक्विड्स हैं. ओके, नाउ फोर्थ वन इज फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स ब्रीथ इन द डैश डिसॉल्वड वाटर. जो फिश हैं और अदर एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो पानी के अंदर ब्रीद करते हैं, बट किससे क्या डिजोल्व होता है पानी के अंदर, सो द आंसर इज ऑक्सीजन. ओके, फिफ्थ इज द स्टेज ऑफ मैटर कैन बी चेंज बाय हीटिंग और कूलिंग. ओके, इसमें क्या आएगा, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है इसमें, आंसर आएगा हीटिंग और कूलिंग. स्टेट का जो मैटर है वो चेंज हो सकता है किससे, हीटिंग या तो कूलिंग से. ओके, सो आप इसमें करेक्ट कर देना, हेल्दी नहीं आएगा, हेल्दी की जगह हीटिंग आएगा. ओके, हीटिंग और कूलिंग, आप उसको गर्म करके या ठंडा करके उसका मैटर है, मैटर का स्टेट आप चेंज कर सकते हो बाय हीटिंग और कूलिंग. हेल्दी नहीं आएगा, हेल्दी की जगह हीटिंग आएगा. ओके, नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज राइट ट्रू और फॉल्स. सो फर्स्ट इज अ कंपाउंड इज मेड अप ऑफ टू और मोर काइंड ऑफ एटम्स. कंपाउंड है वो दो या तो दो से ज्यादा एटम से बनता है. सो इट इज ट्रू और फॉल्स, यस इट इज ट्रू, इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. सो योर आंसर इज ट्रू. नाउ सेकेंड इज गोल्ड इज अ कंपाउंड. सो द आंसर इज फॉल्स. गोल्ड एक ही टाइप के एटम से बनता है, गोल्ड इज एन एलिमेंट, वो कंपाउंड नहीं है, इसीलिए गोल्ड इज अ कंपाउंड. नाउ थर्ड इज ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन कैन डिसॉल्व इन वाटर. ओके, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन, ये दोनों गैसेस हैं, वो इजीली वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, यस, इसीलिए हमारा आंसर क्या हुआ, ट्रू. नाउ फोर्थ वन इज फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल. यस इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट. सो आपका आंसर ट्रू आएगा, जो फिजिकल चेंजेस है वो इजीली रिवर्सिबल हो जाते हैं. नाउ फिफ्थ एंड लास्ट ट्रू ऑफ फॉल्स इज रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. नाउ हियर वी एंड अवर सेशन. क्वेश्चन एंड आंसर्स वी विल study in next lecture. Okay, so thank you all.